रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सर्कल दरों में 20% की छूट को और 3 महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली वालों को हर मोर्चे पर मदद करती रहेगी। आपको बताएं, अधिकारियों ने कहा है कि ये छूट योजना इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी और 30 सितंबर को समाप्त होनी थी। केजरीवाल ने ट्विटर पर फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सर्कल दरों में 20% की छूट जारी रहेगी। वो कहते हैं कि हम इस महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। हम हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होंगे। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में संपत्ति को 8 वर्गों में बांटा गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।